अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। उबैदुल्ला अलीम का ये मशहूर शेर उन जिंदगियों पर सटीक बैठता है जो इश्क और मोहब्बत में फना हो गए। कायदे से देखा जाए तो मोहब्बत वो एहसास है जो हर किसी के दिल में रहता है। एक दौर था जब मोहब्बत में जान देने की बातें हुआ करती थी, पर आज ये दौर जरा बदल गया है। यहाँ मोहब्बत खुद दिलों में खंजर उतार कर अपनी ही मोहब्बत की जान ले रही है। भारत की 140 करोड़ की आबादी के बीच हर साल, हर महीने, यहाँ तक कि हर दिन न जाने कितने ही क्राइम हो रहे हैं। देश में इन क्राइम्स का रिकॉर्ड रखने वाली NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के सबसे ताज़ा यानी कि 2021 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इश्क में लोग अब जान नहीं देते बल्कि जान ले रहे हैं। जी हाँ, आंकड़ों की माने तो पूरे देश में कुल 29,272 कत्ल हुए, जिनकी 19 अलग अलग वजह थी, जिनमें निजी दुश्मनी, सांप्रदायिक और धार्मिक वजहें, राजनीतिक वजह, डायन प्रथा, जातिवाद विवाद, लूट डकैती जैसी वजहें शामिल हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि इन 19 वजहों में से तीसरे नंबर पर कत्ल की जो वजह बनी है वो प्यार, मोहब्बत और धोखा है। देश भर में हुए 29,272 हत्याओं में से 3,125 मर्डर सिर्फ लव अफेयर के चलते हुए हैं। यानी कि देश में होने वाले हर 10 कत्ल में से एक कत्ल किसी न किसी आशिक या माशूक के हाथ से हो रही है। वैसे लव अफेयर से ऊपर पहले और दूसरे नंबर पर जो वजहें हैं वो हैं निजी दुश्मनी और सांप्रदायिक और धार्मिक कारणों के चलते हत्या। इसके अलावा अवैध संबंधों की वजहों से होने वाले कत्लों की गिनती में भी काफी इजाफा हुआ है। खैर, आंकड़ों की माने तो साल 2021 में इश्क और अवैध संबंधों की वजह से जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कत्ल हुए उनमें UP पहले नंबर पर है। यहाँ सबसे ज्यादा यानी कि 406 कत्लों की वजह इश्क मोहब्बत रही। वहीं महाराष्ट्र 351 मामलों के साथ दूसरे और 323 मामलों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, जबकि केरल, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य सबसे निचले पायदान पर पाए गए। ऐसा नहीं है कि इश्क में पहले कत्ल नहीं हुआ करते थे, पहले भी आशिकों ने हाथ में खंजर या तमंचे उठाए हैं, लेकिन साल 2010 के बाद से इश्क, बेवफाई और अवैध संबंध की वजह से होने वाले कत्ल में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। आंकड़ों के हिसाब से 2010 से 2014 के बीच खूनी इश्क का परसेंटेज 7-8% के बीच था, लेकिन 2015 से 21 के दौरान अचानक लव अफेयर की वजह से होने वाले कत्ल का परसेंटेज बढ़कर 10-11% हो जाता है और गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। जाहिर है आंकड़े डरावने हैं। अब वो दौर नहीं है जब लोग मोहब्बत में हमेशा साथ जीने की कस्में खाते थे। अब दौर बदल चुका है। आज आशिक जिस मोहब्बत में जीने मरने की कस्में खाते हैं उसी मोहब्बत के सीधे टुकड़े कर डालते हैं। तो बस आपसे यही सलाह है कि सावधान रहें और अपना लाइफ पार्टनर सोच समझ कर चुने। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।